नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपको स्वीप शॉट कैसे मारना है। तो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की। तो दोस्तों, यह है melbet.com, बेसिकली एक ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट है, मगर अब आप इसमें लाइव स्ट्रीमिंग का भी मजा उठा सकते हैं सभी स्पोर्ट्स की। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं सभी iOS और एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। और साथ ही साथ आप इनकी डेस्कटॉप साइट पे भी जा सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा आपको स्वीप शॉट कैसे मारना है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप स्वीप शॉट मारने जाते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छे से आनी चाहिए वो रहता है आपको बॉल की लाइन जज करना आना चाहिए। मतलब जब ऐसा नहीं कि आपको स्वीप शॉट खेलना है तो आप पहले से ही आके बैठ गए ऐसे और आपने शॉट मार दिया, तो उससे क्या होता है कई बार बॉल मिस हो जाती है। आप अगर अच्छे से बॉल को जज नहीं करेंगे तो आप अच्छे से शॉट नहीं खेल पाएंगे। इसलिए जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको बॉल को अच्छे से जज करना पड़ेगा। जैसे ही बॉलर के हाथ से निकले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि बॉल आगे आएगी या पीछे आएगी, मतलब मुझे फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए बॉल को या बैक फुट पे खेलना चाहिए, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको स्वीप शॉट खेलना कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको आपकी बॉल की लाइन में आपका आगे वाला पैर निकालना होगा, जिधर बॉल आ रही है उसी लाइन में। सपोज की जो बॉल ये लाइन में आ रही है तो मैंने लाइन में अपना पैर निकाल लिया। अब उसके बाद मुझे करना क्या होगा, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया अपना पैर, एक नॉर्मल रेंज में आप स्ट्रेच कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने इतना ज़्यादा पैर स्ट्रेच कर दिया और फिर आप शॉट ही नहीं खेल पा रहे, ऐसा भी मत कीजिएगा। जितना आपको कंफर्टेबल आप उतना ही पैर निकालिए आपका और शॉट खेलिए। तो जैसे इतना पैर मैंने निकाल लिया, उसके बाद मुझे करना क्या होगा, अपने पीछे वाले पैर को इस तरीके से बैंड कर देना है और नीचे बैठ जाना है ना, तो इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस तरीके से क्रॉस पैडल आपका बैट घुमाना है, क्रॉस से इस तरीके से आड़ा बैट घुमाना है आपको। अब ये दो चीज़ों में डिपेंड करता है। अगर आपको ग्राउंडेड मारना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आपके बैट को ऐसे मोड़ते हुए एंड कर सकते हैं। और अगर आपको सिक्स मारना है तो आप क्या कीजिए, आप जो आपका बैट है इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से एंड कीजिए, तो जो आपका जो फेस रहेगा बैट का वो ऊपर की तरफ ओपन रहेगा, जिसकी मदद से आप सिक्स मार सकते हैं। और अगर आपको ग्राउंडेड खेलना है तो आपको बैट का फेस क्लोज कर देना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें इस तरीके से होती हैं, अगर आपको सिक्स मारना है तो बैट का फेस खुला होना चाहिए, और अगर आपको बॉल ग्राउंडेड रखनी है तो बैट का फेस आपको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको एक की रूल बताना चाहता हूँ, जब भी आप स्वीप शॉट खेलने जाते हैं तो शुरू में आप क्या कीजिए, जो बॉल स्टंप की लाइन में नहीं है उसी बॉल को आप पकड़िए स्वीप शॉट खेलने के लिए। स्टार्टिंग में आप स्टंप की लाइन को पकड़ के शॉट खेलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अगर एक आध बार मिस हो गया तो आपके आउट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप पहली बार ट्राई करते, बिगिनर रहते हैं आप इस शॉट के लिए, तो आपको क्या करना होगा, जो बॉल स्टंप की लाइन में नहीं है तो उसी बॉल को आप खेलिए स्वीप शॉट के लिए जाइए। सपोज कीजिए बॉल उधर आ रही है तो मैं उधर की बॉल के लिए ही जाऊंगा स्वीप शॉट खेलने के लिए, स्टंप की लाइन की बॉल को मैं छोड़ दूंगा। और दूसरी चीज़, आपको स्पिनर्स की बॉल जज करनी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको ज़्यादातर मालूम होगा कि स्पिनर्स को ही हम स्वीप शॉट खेलते हैं, तो इसलिए आपको स्पिनर्स की बॉल मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा मारने को तो खेल दिया मगर स्पिनर ने कोई गुगली डाल दी तो पड़ के अंदर आ गई एकदम से, आपने मिस कर दिया। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, आपको अच्छे से जज करना आना चाहिए जिसकी मदद से आप अच्छे से शॉट खेल पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मेन रूल है कि अगर आप बॉल अच्छे से जज करेंगे तभी आप अच्छे से शॉट खेल पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ स्वीप शॉट ज़्यादातर स्पिनर्स को क्यों खेला जाता है। तो देखिए जब भी आप स्वीप शॉट खेलने जाते हैं तो स्पिनर्स का क्या रहता है, देखिए अगर सामने सपोज कीजिए बॉल सामने टप्पा खा रही है और फिर वो कहीं पे भी टर्न हो सकती है, यहाँ पे भी टर्न हो सकती है, यहाँ पे भी टर्न हो सकती है, तो क्या होगा, जब भी मैं स्वीप शॉट खेलता हूँ तो मुझे पूरा ये फेस मिल जाता है बैट का, बॉल जिस तरफ भी टर्न हो मैं खेल सकता हूँ उसको जैसे तैसे। तो बॉल अगर किसी भी तरफ टर्न होगी, सपोज कीजिए बॉल टप्पा खाई और इधर टर्न होके आ गई, तो मैं इसको ऐसे भी खेल दूंगा, और अगर बॉल टर्न होके इधर भी आ रही है तो भी मैं इसको खेल दूंगा। तो इसलिए स्पिनर्स को ज़्यादातर ये शॉट खेला जाता है ताकि उन पे सिंगल्स लेके स्ट्राइक रोटेट की जाए या चौके मारे जाए, इसलिए स्पिनर्स को ज़्यादा खेला जाता है ये शॉट, क्योंकि बॉल कहीं पे भी टर्न हो तो इसको आसानी से हम खेल सकते हैं। बट याद रखिए, अगर आप एक भी बार बॉल मिस करते हैं तो आपके आउट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप बिगनर रहते हैं तब आपको क्या करना होगा, आपका जो पैर है वो स्टंप की लाइन से बाहर, मतलब जो बॉल स्टंप की लाइन के बाहर आ रही है उसी बॉल को आप टारगेट कीजिए शॉट खेलने के लिए। जैसे सपोज कीजिए बॉल उधर आ रही है तो मैंने उसको इधर ऐसे मारने के लिए ट्राई किया तो मेरे आउट होने के कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि बॉल इधर तो आ नहीं रही है इसलिए मैं अपना स्टंप बचा सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये चीज़ काम करती है। तो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है दोस्तों कि आपको बॉल का बाउंस जज करना आना चाहिए, कि बॉल अगर ज़्यादा बाउंस हो रही है तो आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा, और अगर बॉल कम बाउंस हो रही है तो आप फ्रंट फुट पे जाके स्वीप शॉट खेल सकते हैं आपका। तो इस तरीके से आपको जज करना अच्छे से आना चाहिए कि बॉल की कितनी जज है। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़, कई बार क्या होता है आपके दिमाग में चल रहता है कि आपको ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है, तो क्या करेंगे आप पहले से ही जाके, मतलब सपोज कीजिए आप बैटिंग की रहे हो, बॉलर ने अभी तक बॉल अपने हाथ से छोड़ी नहीं है, तो आप पहले ही जाके ऐसे बैठ जाएंगे और सपोज कीजिए बॉल थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस होके आ गई तो आप वो शॉट नहीं खेल पाएंगे अच्छे से,
तो इसलिए आप जब बॉलर के हाथ से बॉल छूटे उसी टाइम पे आपको आपका शॉट डिसाइड करना चाहिए। इस तरीके से आपको जज कर लेना चाहिए कि बॉल किस तरफ आएगी, वो आपके इंस्टिंक्ट में आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके इंस्टिंक्ट में आ जाएगा और फिर आप अपने आप आसानी से शॉट खेल पाएंगे। तो दोस्तों जाते जाते बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की। तो ये mailbet.com, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हैं। तो मैंने लिंक्स दे रखे हैं, आप जाइए और विजिट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आते तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी टेक्निक सीख पाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।